महाराष्ट्र के लिए शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र, 5 साल में 25 लाख नौकरी, किसानों की कर्ज माफी, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी का वादा किया। शाह ने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया, वृद्धा पेंशन योजना के तहत सीमा 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को 15,000 रुपए वेतन और बीमा कवर का ऐलान, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए प्रति माह ट्यूशन फीस दी जाएगी। शाह ने कहा यह संकल्प पत्र सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत और महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का रोडमैप है, जनता की उम्मीदों का प्रतीक है संकल्प पत्र। शाह ने कहा बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है, यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का है जो प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी पर प्रहार किया, कहा वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोले, राहुल ने संविधान का अपमान किया। अमित शाह ने एमवीए की गारंटी को खोखला बताया, कहा सत्ता के लालच के लिए एमवीए की योजनाएं, एमवीए की सारी योजनाएं तुष्टीकरण वाली हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया ऐलान, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से गरीबों मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम करेंगे, मेक इन महाराष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे। शिवाजी पार्क में रैली को लेकर ठाकरे भाइयों में ठनी, 17 नवंबर को रैली को लेकर बीएमसी को आवेदन दिया, बीएमसी ने ठाकरे भाइयों को अनुमति नहीं दी। 18 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का आखिरी दिन, ठाकरे बंधु 17 नवंबर को शिवाजी पार्क में रैली कर आखिरी बार जनता को साधने की कोशिश करेंगे। 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि, इसलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना रैली शिवाजी पार्क में करना चाहती है, बीएमसी ने दोनों को ही परमिशन नहीं दी। संभाजीनगर में फडणवीस कौवेसी और एमवीए पर हमला, फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव को वोट जिहाद के मुकाबले वोटों का धर्म युद्ध करार दिया। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में अब वोट जिहाद चल रहा, लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला, जिसका धुले उदाहरण है। फडणवीस ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया, योगी और मोदी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे रहने पर कहा। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर में ओवैसी का पीएम पर निशाना, कहा संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है, एक है तो सेफ है के पीएम के बयान पर बोले ओवैसी, कहा अगर न्याय है तो भारत सुरक्षित है, इंसाफ होगा तो इंडिया सुरक्षित रहेगा। नांदेड़ में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को विभाजित करने की कोशिश में जुटी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, 3 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए 4 विधानसभाओं के वोटर्स को साधेंगे पीएम। झारखंड के बोकारो गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा, बोकारो के चंदन निकियारी और गुमला के पुग्गू हवाई अड्डे में होने वाली सभा के जरिए दर्जनों विधानसभा सीट के वोटर्स को साधेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज जारी करेगा संयुक्त घोषणा पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। मुंबई में एमवीए का घोषणा पत्र जारी करने के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे खड़गे। महाराष्ट्र के अकोला से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले जिस राज्य में कांग्रेस वो शाही परिवार का एटीएम, महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में शुरू हुई वसूली। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई, राहुल गांधी एक तरफ दूसरी तरफ नफरत हिंसा। झारखंड के बागमारा में आरक्षण पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ेंगे, आदिवासियों को 28, दलितों को 12, ओबीसी को 27% देंगे आरक्षण। महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा प्रधानमंत्री की जेडीयू टीडीपी 2 नकली टांगे। झारखंड के बालूमाथ में आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल्पना सोरेन की साझा रैली। महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह ने सीएम पद को लेकर दिए संकेत, कहा महायुति को जिताएं, देवेंद्र भाई को विजयी बनाएं। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार दे दी है, जमशेदपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, शाह के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के करहल में चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश पर निशाना साधा, कहा बबुआ भी नहीं हुए हैं बालक, दिवंगत मुलायम सिंह जी की आत्मा पार्टी की हालत देखकर दुखी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, खैर जनसभा में कहा जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले एएमयू में दलितों पिछड़ों को नहीं मिलता आरक्षण। यूपी में अखिलेश और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग, अखिलेश यादव ने कहा शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार।
यूपी उपचुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर नया पोस्टर लगा और लिखा है गया है, तुम जमी पर जुल्म लिखो, हम पीडीए का इकबाल लिखेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले पालघर में एक गाड़ी से 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, कैश के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी। झारखंड में वोटिंग से पहले आयकर विभाग की रेड, रांची में सीएम सोरेन के निजी सलाहकार, अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश। वायनाड फूड पैकेज मामले में एफआईआर दर्ज, कल राहुल और प्रियंका की तस्वीरों वाले पैकेट जब्त हुए थे। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए पेश किया 17 सूत्रीय शर्त, नौकरी में 10% आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध, वक्फ संशोधन बिल का विरोध, इमाम उलेमाओं को 15,000 सैलरी की मांग। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायाब अंसारी ने एमवीए को सौंपा शर्त संबंधी पत्र और उलेमा बोर्ड की मांगों को लेकर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने फिर दिया मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर बयान, कहा मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की बेतहाशा बढ़ती संख्या पर सियासी घमासान, सपा विधायक अबू आजमी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। आज रिटायर होंगे सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, 8 नवंबर जस्टिस चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे था, सोमवार को देश के 51वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे शपथ। महाराष्ट्र में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल आज करेंगे रुख साफ, विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले से यू टर्न ले चुके जरांगे ने मराठा समाज से अन्याय होने का आरोप लगाया। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के नैरेटिव का दिया जवाब, कहा महाराष्ट्र में महायुति ने वादे पूरे नहीं किए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर इंदौर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तलवारबाजी का कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव ने भी की तलवारबाजी। संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और असम के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए खड़गे ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद क्यों पीएम मोदी को संसद में संविधान को झुककर प्रणाम करना पड़ा। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले सीएम शिंदे, कहा उद्धव की सरकार का फैसला रद्द करने, स्टे देने के अलावा कुछ आता है, ये लोग झूठे हैं। सीएम शिंदे ने कहा हमने महाराष्ट्र के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, हमारी सरकार ने सभी लोगों के लिए घर देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। रामपुर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ सोपोर के रामपुर और राजपोरा के ऊपरी इलाकों में हो रही। श्रीनगर के इशबार इलाके के पीछे आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी, इशबार इलाके के पीछे 2 आतंकी फंसे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर, ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 350 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर अत्यधिक खराब और गंभीर श्रेणी में, नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी बुरा हाल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत छाई हुई, विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए गाइडलाइन, सुबह टहलने से बचने, मास्क पहनने की सलाह दी गई। दिल्ली के जनपद इलाके में धूल प्रदूषण को कम करने की कवायद, पीडब्ल्यूडी वाहन पानी का छिड़काव कर रहे। लखनऊ को डबल डेकर सिटी बस की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डबल डेकर सिटी बस को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने लखनऊ में आकांक्षा हाट और गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन, 27वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, उन्होंने कहा विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही। दिल्ली के वेलकम इलाके में गोलीबारी, देर रात अज्ञात बदमाशों ने नदीम नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। हावड़ा में शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन डी रेल, नौलपुर के पास 3 बोगिया पटरी से उतरी, रूट पर घंटों प्रभावित रही ट्रेन सेवा। पंजाब में पराली जलाने की घटना बदस्तूर जारी, शनिवार को बठिंडा में पराली जलाने की घटना हुई, कैंपर में कैद। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर सरोवर में शनिवार को हुआ दीपदान, हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान किया।
तिहाड़ से बाहर आए युवक की मुंडका फायरिंग में हत्या। वारदात के बाद गैंगवार की आशंका। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बदमाशों ने तकरीबन 6 राउंड फायरिंग की। मृतक की शिनाख्त अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। हत्या से दिल्ली में गैंगवार की संभावना बढ़ी। पुलिस सड़क पर घायल पड़े युवक को आसपास के अस्पताल में ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाइक से आए दो युवकों ने अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। रोहतक में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच एनकाउंटर। कलानौर बसाना रोड के करीब वांटेड सुरेंद्र लाहिरी को घेरा गया। दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। बदमाश ने एएसआई को मारी गोली मारी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश भी घायल। बदमाश के पास से पिस्टल बरामद की गई। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले पालघर में एक गाड़ी से 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। एक शख्स की भी गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक विक्रमगढ़ की ओर जा रही एक कार पर शक के आधार पर उसे रोका गया। जांच के बाद पुलिस को 3 करोड़ कैश मिला। आशंका जताई जा रही कि कैश का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था। आयकर विभाग को भी कैश रिकवरी की सूचना दी गई। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका। 27 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा घायल।